इस वक्त हम शिमला के ऐतिहासिक माल रोड पर हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं। जो माल रोड है, रिज मैदान है, इसके अलावा जो शहर शहर भर की जो जगहें हैं, जो उपनगर हैं, वहाँ पर इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह जो है कुत्तों के झुंड नज़र आते हैं, कई बार तो दर्जनों कुत्ते आपको नज़र आते हैं। लेकिन अब नगर निगम शिमला इन आवारा कुत्तों को आशियाना देने की कवायद में जुट गया है। देखिए, आप जानते हैं कि पूरे शहर में जो एक आवारा कुत्तों को लेकर जो एक ये कहें हम कि बहुत ज़्यादा संख्या हो चुकी है या लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, उसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि क्यों ना हम एक जनता से भी पूछें और जनता को भी एक कॉन्सेप्ट दें कि लोग कुत्तों को अडॉप्ट करें। उससे क्या होगा अडॉप्ट करने से, एक तो जो हमारे एरिया के जो कुत्ते हैं वो बच्चों को भी काटते हैं, बुज़ुर्गों को काटते हैं, सभी को काटते हैं, एक तो वो समस्या से निजात मिलेगा। दूसरा ये है कि जो कुत्ते इधर उधर कहीं कहीं गली में घूमते हैं, कहीं गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, तो उसमें भी हमारे को ये होगा कि जो कुत्ते हमारे इधर उधर घूमते हैं उनको भी एक लाभ होगा कि उनको भी एक घर मिल जाएगा, प्रॉपर उनकी देखभाल होगी, प्रॉपर उनको दवाइयाँ दी जाएंगी, या कोई बीमारी उनको है या कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर उनकी देखभाल की जाएगी, और ये देखभाल भी नगर निगम फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। और साथ में हमने ये भी सोचा था कि हम लोग जो ये जो भी कुत्ते को अपने घर में पालेगा उसको हम लोग जो 100% जो है रिवेट दे रहे हैं कूड़े में, कि कूड़ा वो फ्री देगा। और दूसरी बात यह है कि ये हमने कॉन्सेप्ट दिया था पहले, लेकिन बाद में हमको ये लगा क्यों, काफ़ी लोग हमारे पास आए, काफ़ी मिलने आए, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी इसके, तो लोग काफ़ी आए हमारे पास, कम से कम 20 लोगों की तो मेरे पास भी लिस्ट है, तो उसके अलावा तो हमको लगा कि नहीं, बहुत अच्छा काम करने जा रही है जनता, जनता ने इस चीज़ को माना है, तो हमें लगा कि इनको एक और इंसेंटिव देना चाहिए कि इनको एक रोड साइड या पार्किंग में कोई भी एक गाड़ी की पार्किंग फ्री कर दी जाए। जो अडॉप्ट करेगा कुत्ते को उसको एक पार्किंग फ्री दी जाएगी और साथ में कूड़ा फ्री, मतलब कि कूड़े के पैसे उसको नहीं देने पड़ेंगे। मैं लास्ट मंथ US गया था और वहाँ पे मैं एक ट्रेनिंग पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड हैं उनके साथ मैं ठहरा था डेट्रॉयट में, उनकी वाइफ डॉक्टर है, तो मैंने उससे जब बात करी कि ये आपके यहाँ पे स्ट्रे डॉग नहीं दिखते हैं, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि यहाँ पे एक मिशिगन ह्यूमन सोसाइटी है, वो डॉग अडॉप्शन प्रोग्राम चलाती है। तो जब उस कंसेप्ट को उनसे डिस्कस किया गया और समझा गया तो मालूम पड़ा कि हम भी शिमला में इस तरह का प्रयास कर सकते हैं। उसी प्रयास के अंतर्गत हम लास्ट टाइम जो हमारा हाउस हुआ था पिछला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला का, उसमें मैं इस कंसेप्ट को लेके गया, तो उसमें पूरे हाउस ने यूनैनिमसली इसको एग्री किया और हमने अडॉप्ट कर लिया। इनिशियली जो हमने अडॉप्ट किया था उसमें ये प्रावधान रखा गया था, इसमें दो तरह के बेनिफिट्स हमने प्रपोज़ किए थे। पहला ये था कि उसकी डॉग की रजिस्ट्रेशन और उसका वैक्सीनेशन, ये सब कुछ फ्री होगा, और दूसरा गार्बेज फीस में 50% रिबेट मिलेगा। सब्सिक्वेंटली हमारे जो वेटनरी ऑफिसर हैं और अलाइड दूसरे ऑफिसर्स हैं इसमें वेटनरी में, उनसे मेरी चर्चा हुई और अल्टीमेटली हमने ये निर्णय लिया कि इसमें इसको और प्रमोट करने के लिए हम गार्बेज फीस को 100% फ्री करेंगे और हर एक वार्ड में एक पार्किंग स्लॉट देंगे। इसका इससे ये हुआ कि हमको काफ़ी लोगों से के फ़ोन भी आए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए, और अभी अबाउट 20 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। हाँ, अभी हम पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं जो हाउस में लगेगी, लेकिन हमारी प्रपोज़ल यही है कि हम सबसे पहले लोगों से एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं और कम से कम कोई 20 और 25 डॉग्स के आसपास की एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम उन डॉग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी फ़ोटोग्राफी करेंगे, ओनर्स का वो करेंगे, ओनर्स के साथ उनकी फ़ोटोग्राफी करेंगे, ओनर्स के साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद हम जो डॉग है ओनर को हैंडओवर करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम डॉग्स को स्टरलाइज करें, और ये जो स्टरलाइजेशन है ये हम अपने सेंटर में करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। साथ में हम उसको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन भी करेंगे, और कॉन्सिक्वेंट ईयर्स में हम वो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन जो है वो इनको सब फ्री करके देंगे।